रोहतक में बुढ़ापा पेंशन पर सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद प्रशासन भी एक्शन में दिखाई दे रहा है। फैमिली आईडी की वजह से बंद हुई बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को दोबारा से चालू करने के लिए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद स्पेशल डेस्क बना करके समस्या का समाधान किया जा रहा है। रोहतक में भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बुजुर्ग के दस्तावेज लेकर तुरंत फैमिली आईडी की त्रुटियों को ठीक कर रहे और जल्द पेंशन शुरू करने का आश्वासन दिया जा रहा है। जिंदा लोगों को मृत दिखा, पेंशन काटकर किरकिरी झेल रहा विभाग ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज एक हेल्प डेस्क लगाया है। आप देख सकते हैं कि ये वो हेल्प डेस्क हैं जहां पर जिन लोगों की पेंशन कट चुकी है वो लोग यहां पर आ रहे हैं और छोटी मोटी जो भी कमी है उसको लेकर यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आखिर इस हेल्प डेस्क की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हम अधिकारियों से बात करेंगे। सर, आज हेल्प डेस्क लगाया, कल मुख्यमंत्री ने खुले दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, ज्यादातर समस्याएं पेंशन को लेकर। जो ये पेंशन संबंधी जो समस्याएं हैं, अपनी परिवार आईडी लगभग 2010, 11, 12 से बननी शुरू स्टार्ट हुई थी। उस समय परिवार आईडी स्टार्ट हुई तो बेनिफिशियरी द्वारा या लापात्र द्वारा उसमें अपनी डिटेल को बताने में कहीं त्रुटियां रह गई या उसका कहीं टेक्निकल में कोई इशू हो गया या उसके हस्बैंड की डेथ होगी, उन्होंने उस परिवार आईडी में से उस डेथ वाले पर्सन को।